बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कब है होली, जानिए होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। आइए जानते हैं विस्तृत रूप से। यह जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान कर उपवास रखने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है और उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई का दिन के रूप में मनाया जाता है। जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। होलिका दहन तिथि जो है वह 17 मार्च गुरुवार को है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त जो है वह रात्रि में 12:57 के बाद होलिका दहन करना शुभकारी होगा, क्योंकि भद्रा रात्रि में 12:57 तक है, तो भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है। होलिका दहन की पूजन विधि आइए जानते हैं। होलिका दहन से पहले होली पूजन का विशेष विधान है। इस दिन सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें, इसके बाद होलिका पूजन वाले स्थान में जाए और पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके बैठ जाए। इसके बाद पूजन में गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाए, इसके साथ में रोली, अक्षत, फूल, कच्चा सूत, हल्दी, मूंग, मीठे बतासे, गुलाल, रंग, 7 प्रकार के सतनजा अनाज, गेहूं की बालियां, होली पर बनने वाले पकवान, कच्चा सूत, 1 लोटा जल, मिष्ठान आदि के साथ होलिका का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही भगवान नृसिंह की पूजा भी करनी चाहिए। होलिका पूजन के बाद होली की परिक्रमा करनी चाहिए और होली में जौ या गेहूं की बाली, चना, मूंग, चावल, नारियल, गन्ना, बतासे आदि जो चीजें हैं वह डालनी चाहिए। होली मनाने के पीछे क्या है पौराणिक कथा, आइए जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। होली मनाने के पीछे शास्त्रों में कई पौराणिक कथाएं दी गई हैं, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे ज्यादा भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है। आपको बता दें, होलिका के दिन निश्चित रूप से पूजन पाठ किया जाता है। कथा के अनुसार असुर जो है हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसके पास वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती, मतलब उसका शरीर बिल्कुल नहीं जल सकता। भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के प्रताप और भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप खुद होलिका ही आग में जल गई। अग्नि में प्रहलाद के शरीर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इस प्रकार होली का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होलाष्टक के दौरान हिंदू धर्म से जुड़े 16 संस्कार जैसे विवाह, मुंडन समेत कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, इसकी मनाही है। इस समय ना ही घर, गाड़ी, सोना खरीदते हैं, ना ही नया काम व्यापार शुरू करते हैं। नवविवाहिता को ससुराल में पहली होली देखने की भी शास्त्रीय मनाही की गई है। इस दौरान किसी परिजन की अगर मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए, उस दिव्यात्मा के लिए विशेष अनुष्ठान कराने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा तृप्त हो सके। आप सब जो ही बने रहे, मिलते हैं अगले वीडियोज के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।